नमस्कार आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है मैं सुरेंद्र सिंह राजप्रीत व्याख्याता राजनीति विज्ञान एक बार पुणे आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आप सभी जानते हैं कि अब तक हम मॉडल पेपर एक के दो भाग आप तक पहुँचा चुके हैं पहले भाग में हमने खंड अ को हल किया था जिसमें तीस नंबर के प्रश्न थे एक एक नंबर के तीस भाग ब में तेरह प्रश्न थे दो दो नंबर के जिसमें छब्बीस नंबर के अंक थे आज हम बात करना चाहेंगे भाग छ यानी खंड स और खंड द, द्रमश तीन नंबर और चार नंबर के प्रश्न हैं। आप यदि पूरे मॉडल पेपर को ढंग से सुनते हैं और देखते हैं तो इसके लिए आपको पहले वाले दो वीडियो भी आप लोगों को देखने पड़ेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप भाग मॉडल पेपर एक का भाग एक मॉडल पेपर भाग एक का मॉडल पेपर एक का भाग दो अवश्य देखे और ये तीसरा भाग आपके सामने रख रहे हैं जिसमें हम तीन तीन और चार चार नंबर के चौदह प्रश्न की चर्चा करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि खंड स में चार प्रश्न आएंगे और खंड द में तीन प्रश्न आएंगे और इनके विकल्प भी रहेंगे तो चार पाँच दिन बचे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा से पूर्व आपका बेहतर रिवीजन हो ताकि आपके अच्छे अंक आ सके हालांकि परीक्षा से पहले के दिन में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है लेकिन हमारे जीवन में अनेक चुनौतियां होती है उनका सामना हमें पूरी दृढ़ता के साथ में करना चाहिए मैं अक्सर कहता हूं कि आंधी क्या है तूफान मिले आंधी आंधी क्या है तूफान मिले चाहे जितने व्यवधान मिले बढ़ना ही अपना काम है बढ़ना ही अपना काम है हम नई चेतना की धरा हम हम अंधेरे में उजियारा हम उस ब्यार के झोंके हैं जो हरले जग का दुख् रहा चलना है पथ पर शूल मिले तो क्या पर अंगारे जले तो क्या जीवन में कहाँ विराम है बढ़ना ही अपना काम है बढ़ना ही अपना काम है तो आप अपने जीवन में प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें इस प्रकार की शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि हम लोग उसके अनुसार आगे की वीडियो बना सके सकें ये जो मॉडल पेपर आपको हल करवा रहे हैं उसके उत्तर प्राप्त करने के लिए आप मेरे नंबर नोट कीजिए नाइन टू फाइव टू जीरो फोर थ्री एट टू वन एक बार पुनः सुने नाइन टू फाइव टू जीरो फोर थ्री एट टू वन इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक आपको दूंगा उस लिंक से जुड़कर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं फिलहाल आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें सभी प्रश्नों को सुने कैसे इनके उत्तर आप लोगों को देने हैं खंड श का पहला प्रश्न जो है वो है भारत पाकिस्तान के बीच प्रमुख विवादों का वर्णन कीजिए चूंकि तीन नंबर का प्रश्न है आपको तीन पॉइंट में उत्तर देना है पहला पॉइंट और पॉइंट के नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए पहला पॉइंट कश्मीर मुद्दा भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद से सबसे यदि ज्वलंत कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा रहा है विवाद का दोनों देशों के बीच में तो वो है कश्मीर मुद्दा आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तानियों का मानना है कि कश्मीर हमारा है और भारत का मानना है भारत के लोगों का मानना है कि कश्मीर भारत का अभिनंग था है और हमेशा रहेगा कश्मीर को लेकर उन्नीस सौ में कबिलई जाति ने कश्मीर पर आक्रमण भी किया था आप सब जानते हैं कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच में कई युद्ध भी हो चुके हैं और लगातार ये विवाद का विषय बना हुआ है दूसरा दोनों देशों के बीच विवाद का विषय है सीमा विवाद तो दूसरा पॉइंट होगा सीमा विवाद दोनों देशों के बीच में जो रेड क्लीफ सीमा है एक हजार सत्तर किलोमीटर ये जो रेड क्लिफ सीमा है इस सीमा रेखा को लेकर भी दोनों देशों के बीच में लगातार विवाद बना हुआ है तीसरा दोनों देशों के बीच में जो विवाद है वो है नदी जल विवाद देखिए बहुत अच्छा एक नंबर का प्रश्न बनेगा यहां नदियों के जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है लेकिन सबसे अधिक किसी नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है तो वह सिंधु नदी जल्द नदी है जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच में लंबा विवाद रहा है और एक बहुत महत्वपूर्ण एक नंबर का प्रश्न बनेगा इस विवाद के समाधान के लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच में एक समझौता हुआ है उन्नीस सौ में बहुत ढंग से याद रखना है सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ 1960 में 1960 दूसरा प्रश्न सिंधु नदी जल समझौता किन के बीच में हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में हुआ लेकिन 1960 के सिंधु नदी जल समझौते के बाद भी दोनों देशों के बीच में नदियों के जल के बंटवारे को लेकर लगातार विवाद चल रहा है चौथा पाक प्रायोजित आतंकवाद पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है इस हेतु भी दोनों देशों के बीच में विवाद है इसके अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां लगातार भारत में अलगाववाद को बढ़ावा दे रही चाहे वो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो चाहे वो पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो चाहे वो पंजाब का क्षेत्र रहा है हर जगह अलगाववाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया इस हेतु भी दोनों देशों के बीच में विवाद है इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद बना हुआ है और भी ऋण अदायगी का जो प्रश्न है ये कुछ और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद बना हुआ है और कुछ पॉइंट लिख सकते हैं जैसे भारत की जेलों में पाकि कश्मीर आ, पाकिस्तान की जेलों में भारतीयों के साथ में अमानवीय व्यवहार करना शीज फायरिंग का बार बार उल्लंघन करना भारत में नकली नोटों की सप्लाई करना ये कुछ विवाद के मुद्दे हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा तीन नंबर का प्रश्न हो तो तीन पॉइंट आप बेहतर जो तीन पॉइंट मैंने प्रारंभ में बताए उन पॉइंटों को उत्तर दीजिए देखिए यहां सत्रह नंबर प्रश्न में एक आपको और विकल्प बनेगा दोनों में से एक प्रश्न आप लोगों को करना है अगला प्रश्न है श्रीलंका के जातीय संघर्ष को स्पष्ट कीजिए देखिए श्रीलंका के जातीय संघर्ष को स्पष्ट करने से पहले इसकी थोड़ी भूमिका हम लोगों को बनानी होगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे वर्ष 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ 1947 में भारत ब्रिटिश दास्ता से आजाद हुआ 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद में श्रीलंका की सबसे बड़ी जो दिक्कत रही आज तक की वो रही है श्रीलंका एक नंबर का प्रश्न पर आपके और क्लियर कर देना चाहता हूं 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ और श्रीलंका को प्राचीन समय में सिलोन के नाम से जाना जाता था एक नंबर का प्रश्न श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था आपका उत्तर उत्तर होना चाहिए सिलोन श्रीलंका का प्राचीन नाम था जैसे ही श्रीलंका आजाद हुआ श्रीलंका में संविधान सभा का गठन हुआ लोकतंत्र की स्थापना के लिए संविधान का निर्माण किया गया लेकिन जिस संविधान का निर्माण श्रीलंका में किया गया उसके बाद वहां पर विवाद हुआ श्रीलंका में दो समूह विशेष रूप से है एक सिहली और दूसरे तमिल सिहली वहां लगभग चौहत्तर प्रतिशत आबादी सिहलियों की है इनकी सिहली बहुसंख्यक है और अठारह प्रतिशत तमिल है अट्ठारह प्रतिशत में भी पांच प्रतिशत भारतीय तमिल है और तेरह प्रतिशत श्रीलंका के तमिल है इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है आठ प्रतिशत अन्य समुदाय है चूंकि सीएलई बहुसंख्यक है सियलियों के की द्वारा संविधान बनाया गया और सियलियों ने जो संविधान बनाया उस संविधान के तहत उन्होंने तमिल लोगों के साथ में भेदभाव किया यही कारण था कि श्रीलंका में सियली और तमिल इन दोनों के बीच में संघर्ष रहा अब हमारा पॉइंट बनेगा कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारण क्या थे तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष का पहला जो कारण था वो था सीहलियों के द्वारा तमिलों को सत्ता में साझेदारी नहीं देना सत्ता में साझेदारी नहीं देने का तात्पर्य यहां पर है कि सीहली बहुसंख्यक थे और उन्होंने जो संविधान बनाया उस संविधान के तहत उन्होंने अल्पसंख्यक जो लोग थे तमिल उनके हितों की सुरक्षा नहीं की उनकी आ, उनकी हिफाजत नहीं की उनको सत्ता में बराबर साझेदारी नहीं दी इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि सिहलियों द्वारा सिहली भाषा को राज्य भाषा घोषित कर दिया गया सिहली भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया जबकि तमिल भाषा को कुछ भी महत्व नहीं दिया गया इस बात को लेकर भी तमिलों के मन में आक्रोश की भावना थी इस बात को लेकर भी तमिलों के मन में आक्रोश की भावना थी अगला पॉइंट था सहेलियों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आ, जो है आरक्षण दिया गया जबकि तमिलों को शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का तवज्जा नहीं दिया गया इस बात को लेकर भी तमिल लोगों में काफ़ी आक्रोश था तमिलों को नागरिक अधिकार नहीं दिए गए नागरिकता तक नहीं दी गई इस बात को लेकर भी जो है उग्र आंदोलन तमिल लोगों के द्वारा किया गया इसके अलावा श्रीलंका के सहेलियों ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया बौद्ध धर्म का संरक्षण करने के कारण तमिल लोगों में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई यही कारण था कि 1983 में उन्नीस के अंदर तमिलों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम है लिट्टे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि लिट्टे श्रीलंका का तमिलों का एक ऐसा संगठन जिसका पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल में इसका गठन किया गया और इस तमिल लोगों ने इस लिट्टे के नेतृत्व में अपने लिए एक नए देश की मांग कर डाली जिसका नाम वो रखना चाहते थे तमिल इलम ये श्रीलंका का उत्तर पूर्व का क्षेत्र था जिसके ऊपर इन्होंने अपना कब्जा कर रखा था और ये तमिल इलम नाम से अपना एक अलक्ष्य देश बनाना चाहते थे दिक्कत यहां तक पहुंच गई कि श्रीलंका में अलगाववाद की जो है माहौल भी बनने लगा इस कारण भी बहुत सी समस्या का कर सामना करना पड़ा इसके साथ एक मेजर समस्या क्या थी मेजर समस्या ये थी कि भारतीय जो पांच प्रतिशत तमिल थे उनके साथ भी यहाँ पर अन्याय हो रहा था ऐसी स्थिति में तमिलनाडु की सरकार लगातार भारत सरकार पर दबाव डाल रही थी क्योंकि वहां जो पांच प्रतिशत तमिल थे वो तमिलनाडु के तमिल जो लोग थे उनके रिश्तेदार थे जिस समय अंग्रेजों का भारत पर और श्रीलंका पर शासन था उस समय गिरमिटिया मजदूर के रूप में बहुत से तमिल श्रीलंका में जाकर काम करने लगे थे और वो स्थायी रूप से वहीं रह गए इसलिए उनको भारतीय तमिल कहा जाता है तो तमिलनाडु की सरकार ने भारत सरकार पर लगातार दबाव डाला कि हमारे तमिलों के हितों की सुरक्षा होनी चाहिए और इसी कारण से 1987 में राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ में एक समझौता किया जिसे राजीव गांधी जयवर्धने समझौते के नाम से जाना जाता है में और इस समझौते के बाद में भारत ने अपनी शांति सेना भेजी श्रीलंका में लेकिन उस शांति सेना को श्रीलंका की जनता ने कोई खास पसंद नहीं किया और वो काफी उसके परिणाम नेगेटिव रहे भारत की सेना वहां तमिलों में और श्रीलंका की सेना में उलझ जाती है और उसे कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है अंतत उन्नीस सौ उने में जो है भारत की शांति सेना को बिना लक्ष्य प्राप्त किए वापस बुलाना पड़ा इससे भारत को बहुत अधिक नुकसान भी उठाना पड़ा और श्रीलंका के लोगों का मानना था कि भारत हमारी आंतरिक मामलों में क्या कर रहा है हस्तक्षेप कर रहा है तो ये था श्रीलंका का पूरा जातीय संघर्ष सबसे पहले आपको ये बताना है कि श्रीलंका को प्राचीन समय में सिलोन के नाम से जाना जाता था उन्नीस में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ और उसके बाद में वहाँ के जातीय संघर्ष के कारण क्या थे वो आप लोगों को बताने हैं और वहां की जाती संरचना बतानी है जैसे सिंहली चौहत्तर प्रतिशत थे तमिल 18 प्रतिशत थे उसमें 5 प्रतिशत भारतीय थे और उसके बाद में लिट्टे का किस प्रकार से गठन होता है और भारत ने जो शांति सेना भेजी इन सारे मुद्दों को एकत्रित करके इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दे सकते हैं अगला प्रश्न है कि विश्व की शाजी विरासत से आपका क्या अभिप्राय है देखिए विश्व के कुछ हिस्से ऐसे हैं विश्व का कुछ क्षेत्र ऐसा है जो किसी भी देश के संप्रभु क्षेत्र में नहीं आता है किसी भी देश के संप्रभु क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है। quindi, किसी भी देश की सीमाओं के भीतर नहीं आता है ऐसा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का प्रबंधन उस क्षेत्र का प्रबंधन और उस क्षेत्र की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा की जाती है और उसे विश्व की साझी विरासत माना जाता है उसे विश्व की साझी संपदा माना जाता है उसे मानवता की साजी विरासत कहा जाता है जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है जैसे बाह्य अंतरिक्ष है जैसे समुद्र की सतह है जैसे वायुमंडल है ये सारी की सारी कैसी संपदा है साझी संपदा है तो एक बार फिर से सुनिए ऐसा क्षेत्र जो किसी भी देश के अः छत्राधिकार में नहीं आता किसी भी देश के क्षेत्रीय संप्रभुता के अंतर्गत नहीं आता संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आता है जो पूरे विश्व की साझी संपदा मानी जाती है जिसके ऊपर पूरे विश्व का बराबर अधिकार होता है उसे विश्व की साझी विरासत के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न है अठारह का जो अथवा में जो प्रश्न है वह है कि हमारे पावन वन प्रांतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोगी है पावन वन प्रांतर यानी देव स्थान की उपयोगिता को समझाइए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि देव स्थान किसे कहा जाता है और देवस्थान को ही हम कहते हैं पावन वन प्रांतर तो देवस्थान किसे कहते हैं पहले ये चीज समझते हैं फिर इस प्रश्न के उत्तर की हम लोग चर्चा करेंगे देखिए हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत संतुलित जीवन भी जीते थे और विशेष रूप से प्रकृति के संरक्षण को लेकर पर्यावरण सुरक्षा को लेकर वो बहुत अधिक सचेत थे या पर्यावरण संरक्षण को लेकर वो बहुत अधिक सचेत थे इसका तात्पर्य क्या है इसका तात्पर्य है कि वो प्रकृति के कुछ हिस्से को छोड़ते थे और कुछ हिस्से पर खेती करते थे ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे विशेष रूप से पेड़ पौधों की पूजा हम प्राचीन समय से ही करते आए हैं हम प्रकृति को पूजते आए हैं ये भारत की पूरे विश्व को देन है हम प्रकृति के महत्व को हम पेड़ पौधों के महत्व को बहुत अच्छी तरह से जानते थे प्राचीन समय से ही आप जानते हैं कि हमारे गाँव में ऐसे बहुत से देवस्थान है देवस्थान का तात्पर्य जहां देवताओं का निवास होता है देवस्थान का तात्पर्य ऐसा क्षेत्र जहां देवताओं के मंदिर है और उन मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता पावन वन प्रांत उस क्षेत्र को कहा जाता देवस्थान, कि ये इस मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है वो पवित्र है वो पावन है वहां देवता निवास करते हैं इसलिए उस क्षेत्र के हम पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे यही कारण है आप राजस्थान की बात करें तो भादरिया माता के मंदिर में कभी जैसलमेर की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा क्षेत्र मिलेगा जहां बहुत अधिक पेड़ पौधे हैं आप भारत के किसी भी कोने में चले जाए जावस्थान जा है जहां मंदिर है जहां आप लोगों को आसपास में हरा भरा क्षेत्र मिलेगा वहां आपको पेड़ पौधे मिलेंगे वहां आपको प्रकृति मिलेगी वहां आपको जैव विविधता भी प्राप्त होगी

क्योंकि ये जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के हम पेड़ पौधे काटते नहीं है तो पहला जो पॉइंट रहेगा इसमें पहला पॉइंट रहेगा कि जैव विविधता को बनाए रखने में सहयोग जैविक विविधता का तात्पर्य है कि उस क्षेत्र के उस देवस्थान के आसपास के क्षेत्र के हम लोग पेड़ पौधों को काटते नहीं है इसके कारण उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं जिससे जैविक विविधता बनी रहती है और पारिस्थितिक संतुलन के लिए जैविक विविधता बहुत अधिक आवश्यक है दूसरा पॉइंट रहेगा प्रकृति का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अर्थात उस क्षेत्र के हम पेड़ पौधों को काटते नहीं है जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है क्षेत्र हरा भरा बना रहता है इससे हमें वायु भी शुद्ध रहती है पर्यावरण भी बेहतर रहता है इसके अलावा जो है समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन ये जो देव स्थान होते हैं इनका प्रबंधन समुदाय के सारे लोग मिलकर करते हैं इसका प्रबंधन समुदाय के सारे लोग करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा होती है पूरे समुदाय के द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है इससे भी हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी उपयोगी है तो पावन वन प्रांतर देव स्थान पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि उससे प्रकृति की सुरक्षा होती है पर्यावरण की सुरक्षा होती है जैविक विधता बनी रहती है पारिस्थिति के संतुलन बचता है और हमारे पेड़ पौधे जो है वो बचे रहते हैं तो ये इसका उत्तर रहेगा उन्नीसवा प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांग को बताते हुए इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए देखिए तीन नंबर का प्रश्न है दो प्रश्न पूछे हैं इसमें भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांग इसका मतलब डेड डेड नंबर नंबर की की तो तो है मांगे और की है इसकी विशेषताएं तो भारतीय किसान यूनियन उत्तर भारत का एक जबरदस्त किसानों का संगठन था इसकी प्रमुख मांगे जो थी वो इस प्रकार से थी इसकी पहली मांग थी कि जो बिजली है वो हमें कम कीमत पर अर्थात बढ़ती हुई कीमतों को रोकना बिजली की जो दरें बढ़ रही थी उसको रोकना इनकी प्रमुख मांग थी दूसरा भारतीय किसान यूनियन चाहता था कि गन्ने और गेहूं की जो फसल है उसको सरकार आ, उचित मूल्य में खरीदे अर्थात उसके मूल्य में बढ़ोतरी करे ताकि किसानों को लाभ हो सके इसके अलावा इनकी तीसरी मांग थी कि कृषि की उत्पादों कृषि के उत्पादों पर जो अंतर्राज्य प्रतिबंध थे उन अंतर्राज्य प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए ताकि किसान भारत के किसी भी हिस्से में जाकर अपनी फसल को बेच सके इस प्रकार से इसके अलावा किसानों के ऊपर जो कर्ज थे उन कर्ज को माफ करने की मांग थी गारंटी शुदा बिजली किसानों को प्राप्त हो यह भी इनकी मुख्य मांग थी और किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान हो यह भी इनकी मांग थी कोई भी चार मांगे आप लोग इनकी रख सकते हैं लेकिन बीके एक बहुत समृद्ध संगठन था भारतीय किसान यूनियन की विशेषताएं क्या थी तो पेडिंग डालोगे आप लोग भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख विशेषताएं पहला पॉइंट रैली धरना और प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन अपनी मांगों को मनवाने के लिए रैली धरना प्रदर्शन का सहारा लेता था सरकार को दबाव में लेने के लिए बीके के द्वारा जेल भरो अभियान तक चलाए जाते थे इस प्रकार से इस इस माध्यम से इन तरीकों से भारतीय किसान यूनियन अपनी मांगों को मनवाने में काफ़ी सफल भी रहा था और सरकार को दबाव में लाने के लिए भी काफ़ी सफल रहा दूसरी इसकी विशेषता थी कि बीके यू के जो किसान थे भारतीय किसान यूनियन के जो किसान थे वो समृद्ध किसान थे तो दूसरी विशेषता हो जाएगी समृद्ध किसानों का संगठन था तीसरी विशेषता बीके यू के किसान हरित क्रांति से लाभान्वित थे आप जानते हैं कि 1967 में स्वामीनाथन के निर्देशन में जो हरित क्रांति हुई थी जिससे समृद्ध राज्यों को लाभ मिला और बड़े किसानों को लाभ मिला तो ये समृद्ध किसानों का संगठन था तो ये सभी किसान हरित क्रांति से जो है लाभान्वित थे और इसकी क्या विशेषता थी जातिगत वंशगत संपर्क अर्थात रोटी बेटी का रिश्ता ये जो किसान थे वो लगभग एक ही समुदाय के किसान थे भारतीय किसान यूनियन के इन किसानों के बीच में जातिगत संपर्क था वंशगत संपर्क था और रोटी और बेटी का इनके बीच में रिश्ता था अतः सभी आपस में जुड़े हुए थे और सभी आपस में जुड़े हुए होने के कारण चाहे राशन सामग्री हो चाहे पैसे इकट्ठे करने हो आसानी से पंचायत के माध्यम से पंचायत का सहारा लेकर ये धनराशि और संसाधन एकत्रित कर लेते थे यही कारण था कि जातीय पंचायतों के माध्यम से ये सब आपस में जुड़े हुए थे एक ही समुदाय के लोग थे वंशानुगत संपर्क था इसके कारण ये बहुत मजबूत संगठन था और कुछ ही घंटों में हजारों लोग एकत्रित हो जाते थे और उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हो जाती थी अंतिम जो विशेषता थी इसकी वो थी कि राजनीतिक दलों से स्वतंत्र शक्तिशाली संगठन था उन्नीस के दशक के में प्रारंभ में भारतीय जो किसान यूनियन जो संगठन था ये किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं था राजनीतिक दलों से एक स्वतंत्र संगठन था तो यह भारतीय किसान यूनियन की कुछ क्या हो गई विशेषताएं लेकिन इसके अथवा में प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन को समझाते हुए इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सबसे पहले तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था आप जानते हैं कि नर्मदा जो नदी है इस नर्मदा नदी पर कई बांध प्रस्तावित थे विभिन्न प्रकार की जो है परियोजना इस पे प्रस्तावित थी कल आपको बताया कि मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध परियोजना और गुजरात में सरदार सरोवर बांध परियोजना ये दो बड़ी बहुत परियोजना इस पे इसके ऊपर प्रस्तावित थी इसके अलावा कुछ छोटे बांध कुछ मंजिले बांध भी इसके ऊपर प्रस्तावित थे एक और तीन क्रमशः क्रमश मंजिले और छोटे बांध इस इसपे प्रस्तावित था विशेष रूप से बड़ी बांध परियोजनाओं का विरोध किया गया मेगा पाटेकर के नेतृत्व में एक आंदोलन चला गुजरात से सरदार सरोवर बांध परियोजना के विरुद्ध में इस आंदोलन का नाम दिया गया नर्मदा बचाओ आंदोलन इन लोगों ने जबरदस्त विरोध किया तो पहला ये तो हो गया नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था दूसरा इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव लिखिए तो पहले हम बात करते हैं कि बांध परियोजनाओं के देखिए या तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के सकारात्मक या हम कहेंगे बांध परियोजनाओं के सकारात्मक तो मैं आपको बहुद्देशी परियोजनाओं के सकारात्मक लाभ बता रहा हूं पहले बहुद्देशीय परियोजनाओं के सकारात्मक पहला लाभ होगा कि इस प्रकार की बहुद्देशीय परियोजना बहुद्द्देश्य परियोजनाओं का मतलब क्या होता है पानी को रोक कर पानी के सामने बाधा उत्पन्न करके एक बांध बनाना और उस पानी का विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग करना इसी को हम कहते हैं बहुद्देशीय परियोजनाएं इस बांध परियोजना के माध्यम से इस परियोजना के माध्यम से लाभ पहला यह है कि सिंचाई सुविधा को बढ़ोतरी दी जा सकती है और इस पानी का पेयजल हेतु भी प्रयोग किया जाता है पेयजल के लिए प्रयोग किया जा सकता है सिंचाई परियोजना के द्वारा सिंचाई उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसका प्रयोग करके कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है इसके अलावा इन बांध परियोजनाओं के माध्यम से गुजरात सहित तीन राज्यों किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा था नर्मदा सागर सरदार बा, सरोवर बांध परियोजना से। इस बांध परियोजना के पानी का प्रयोग नौकायान में मनोरंजन के लिए भी आ, किया जा सकता है इसके अलावा बिजली उत्पादन ऊर्जा जो कि बहुत महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन भी इस पानी से किया जा सकता है और विशेष रूप से बांध परियोजनाओं से संकट के समय पानी का उपयोग किया जा सकता है अकाल के समय बाढ़ आती है उस बाढ़ को भी बांध परियोजनाएं नियंत्रित करती है और अकाल के समय पानी की कमी होती है उस समय भी जो है इस पानी का उपयोग किया जा सकता है तो ये तो ये थे बांध परियोजनाओं के सकारात्मक प्रभाव यानी कि ये जो बांध परियोजना थी उसके लाभ क्या थे अब है बांध परियोजना के नकारात्मक प्रभाव इन बड़ी बहुद्देश्य परियोजनाओं से नुकसान क्या होता है तो पहला नुकसान ये होता है कि लोगों को विस्थापित होना पड़ता है तो पहला ही पॉइंट जो आप लोगों का होगा बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र के लोगों को विस्थापित होना पड़ता है क्यों क्योंकि जब बांध बनाया जाता है तो उस क्षेत्र के सारे पेड़ पौधों को काट दिया जाता है तो उस क्षेत्र में जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उन सब लोगों को विस्थापित होना पड़ता है उन जंगलों में निवास करने वाले लोगों की संस्कृति सभ्यता उनकी लिपि उनकी भाषा सब कुछ नष्ट हो जाती है इसके कारण उन लोगों ने इस बांध परियोजना का विरोध किया दूसरा कारण कि जैविक विविधता समाप्त हो जाती है क्योंकि उस क्षेत्र में आने वाले पेड़ पौधों को काट दिया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु भी वहां से या तो समाप्त हो जाते हैं या पलायन कर जाते हैं तो जैविक विविधता समाप्त हो जाती है पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है तीसरा पर्यावरण को नुकसान होता है क्योंकि आप पेड़ पौधे काटोगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा तो पर्यावरण प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है इन बांध परियोजनाओं के निर्माण में अनेक तकनीक का प्रयोग किया जाता है उस तकनीक से भी पर्यावरण प्रदूषण होता है तो पारिस्थिति के असंतुलन भी होता है इस प्रकार से ये कुछ बांध परियोजनाओं के क्या होंगे नकारात्मक प्रभाव अगला बीसवा प्रश्न है मंडल आयोग की स्थापना कब व क्यों की गई तथा इसके द्वारा कौन कौन से सुझाव दिए गए देखिए तीन प्रश्न है इसमें मंडल आयोग की स्थापना कब की गई क्यों की गई और इसके द्वारा कौन कौन से सुझाव दिए गए इसका मतलब इस प्रश्न के अंक विभाजन कैसे हैं एक नंबर का मंडल आयोग की स्थापना कब की गई एक नंबर क्यों की गई और एक नंबर इसके द्वारा कौन से सुझाव दिए गए या आधा आधा प्लस दो तो इस प्रकार से भी अंकों का विभाजन हो सकता है मंडल आयोग के बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा कर लेते हैं उन्नीस में भारत के राष्ट्रपति ने काका कालेकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था वो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है उसे काका कालेकर आयोग भी कहा जाता है मंडल आयोग काका कालेकर आयोग ने बहुत से सुझाव दिए आजादी के बाद संविधान लागू होती अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्राप्त हो गया था लेकिन उसके अलावा भी अनेक ऐसी जातियां थी जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थी उन जातियों ने लगातार यह मांग की भी मांग की थी कि हमें भी सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्राप्त होना चाहिए लेकिन सरकार ने कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार थी उस समय 1977 में ये जो छठी लोकसभा के चुनाव थे इस चुनाव में जनता पार्टी का गठबंधन हुआ

जिसको हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं बिंदवेश्वरी प्रसाद मंडल बीपी मंडल इसके क्या थे अध्यक्ष थे मंडल आयोग की स्थापना कब हुई उन्नीस तो में सीधा प्रश्न का उत्तर बाकी बातें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताई थी क्यों की गई पिछड़ी जातियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिए और इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था अगला प्रश्न इसके द्वारा कौन कौन से सुझाव दिए गए थे मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए अनेक सुझाव दिए उनमें से कुछ सुझाव मैं आपके सामने रख रहा हूं पहला सुझाव मंडल आयोग ने दिया था कि पिछड़े वर्ग को एक जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी अनेक जातियां हैं जिनको प्राचीन समय में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा उनके साथ भेदभाव हुआ और वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी है अतः जो पिछड़ी जातियां हैं उनको पिछड़ी जातियों में शामिल करके उनको एक जाति विशेष के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए पहला सुझाव दिया मंडल आयोग ने यह दूसरा इस मंडल आयोग ने सुझाव दिया कि इन जातियों की स्थिति में सुधार करने के लिए जरूरी है कि इनको सरकारी नौकरियों में सत्ताइस आरक्षण दिया जाना चाहिए मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन जातियों का सरकारी नौकरियों में प्रतिशत बहुत कम है अति सरकारी नौकरियों में प्रतिशत इनको देना चाहिए इसलिए उनको आरक्षण का प्रावधान करना पड़ेगा सत्ताईस प्रतिशत सरकारी नौकरियां और शिक्षण संस्थानों में इनके लिए सीटें आरक्षित की जानी चाहिए और भी अनेक सुझाव मंडल आयोग ने दिए और इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए भूमि सुधार करने के लिए भी मंडल आयोग ने अपने सुझाव दिए तो ये थे मंडल आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव चूंकि आपके प्रश्न इतना ही है आपको मैं इतना ही उत्तर बताऊंगा लेकिन कुछ बातें एक्स्ट्रा आप लोगों को बता देता हूं कि इंदिरा गांधी की सरकार बन जाती है उन्नीस में जनता पार्टी बिखर जाती है इसलिए मंडल आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली जाती है उन्नीस चौरासी में राजीव गांधी की सरकार बनती है उन्होंने भी मंडल आयोग की तरफ ध्यान नहीं दिया रिपोर्ट पर उन्नीस में, में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनती है वीपी सिंह की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वीपी सिंह की सरकार ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करते हुए पिछड़े वर्ग को केंद्र की सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया उसके बाद में मंडल विवाद हुआ इंदिरा शाहिवाद भी हुआ था नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक दलों में अत्यधिक प्रतियोगिता व विरोध होने के बावजूद भी कई मुद्दों पर सर्वसम्मति है स्पष्ट कीजिए नोवा जो अध्याय है आपका नए बदलाव उस पाठ में से ये प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक दलों में अत्यधिक प्रतियोगिता और विरोध होने के बावजूद भी कई मुद्दों को लेकर आपस में सर्वसम्मति है देखिए राजनीतिक दलों में अनेक मुद्दों को लेकर विवाद होता है और भारत के राजनीतिक दलों में भी बहुत से मुद्दों को लेकर विवाद है बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मुद्दों को लेकर उन्नीस के बाद में गठबंधन का दौर जब से शुरू हुआ भारत के इन सभी राजनीतिक दलों के बीच में कुछ मुद्दों को लेकर सर्वसम्मति है वो मुद्दे कौन से हैं पॉइंट में इसका उत्तर देना है चूंकि तीन नंबर का है तीन पॉइंट होने चाहिए लेकिन कम से कम मैं आपके साथ में चार पॉइंट साझा कर रहा हूं पहला नई आर्थिक नीति को लेकर सहमति आप जानते हैं कि उन्नीस में राव मनमोहन मॉडल के तहत आर्थिक सुधारों का दौर प्रारंभ हुआ और उस आर्थिक सुधारों के दौर में नई आर्थिक नीति अपनाई गई जिसको हम कहते हैं एलपीजी उदारीकरण वैश्वीकरण और निजीकरण सरकार ने अपनी उदारीकरण की नीति के तहत जो भारत में आयात निर्यात निर्यात पर जो प्रतिबंध थे उनको समाप्त किए निजीकरण को बढ़ावा दिया गया और भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ा इनकी हमने निजीकरण वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई और इसके तहत नई आर्थिक सुधारों की जो नीति अपनाई थी ये नई आर्थिक सुधारों की नीति का सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया था दूसरा इनके बीच में जो सहमति वो है पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति अर्थात उन्नीस के दशक में सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर एक सहमत थे कि पिछड़ी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए पिछड़ी जातियों को रोजगार प्राप्त होना चाहिए उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्राप्त होना चाहिए उनके हितों की सुरक्षा होनी चाहिए इस बात को लेकर भी सभी राजनीतिक दल क्या थे एक थे इसके अलावा देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका को सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया आप जानते हैं उन्नीस के बाद गठबंधन का युग प्रारंभ होता है राजीव गांधी की सरकार के बाद में जब नौवे आम चुनाव हुए उन्नीस भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला उन्नीस के बाद में यानी कि हम कह सकते हैं उन्नीस के चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और उसके बाद में 2014 में मोदी सरकार को स्पष्ट बहुमत मिला इस तीस वर्षों के राजनीतिक काल में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हालांकि आज भी गठबंधन की सरकार है भले बीजेपी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ इसे गठबंधन का युग कहा जाता है इसे साझा सरकारों का काल कहा जाता है इसे मिलीजुली सरकारों का काल कहा जाता है ये जो गठबंधन का युग था इसमें जो छोटे छोटे राजनीतिक दल थे जिन्हें हम प्रांतीय राजनीतिक दल कहते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहते हैं इन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के महत्व को इनकी उपयोगिता को इनकी भूमिका को सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया क्योंकि उन्नीस के बाद में जितने भी सरकारें बनी वो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के सहयोग से प्राप्त सरकारें बनी थी इसलिए सभी ने इनको स्वीकार किया चौथा है विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारगत सहमति के बगैर राजनीतिक गठबंधन राजनीतिक दल विचारधारा के आधार पर बनते हैं लेकिन हमने देखा कि उन्नीस के बाद में जो गठबंधन का दौर था उसमें विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि को महत्व दिया गया यानी कि हमारी विचारधारा कोई भी हो काम होना चाहिए अर्थात सरकार बननी चाहिए हमने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरोधी राजनीतिक दल राज्य के गठबंधन में शामिल हुए सप्रंग की विचारधारा के विरोधी राजनीतिक दल कांग्रेस के विरोधी राजनीतिक दल कांग्रेस के गठबंधन में शामिल हुए तो उन्नीस के बाद में विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि महत्वपूर्ण हो गया और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठबंधन हुए तो ये चार भारतीय राजनीतिक दलों में मुद्दों पर सहमति थी अब आता सबसे अंतिम पार्ट और वो है चार चार नंबर के प्रश्न इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें कितने पॉइंट में देना है चार पॉइंट में देना है एक बात फिर स्पष्ट आप लोगों की कर देना चाहता हूं राजनीति विज्ञान में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको पॉइंट में देना है राजनीति विज्ञान में प्रत्येक प्रश्न के पॉइंट के नीचे आप लोगों को अंडरलाइन करनी है और महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ भी लिखते हैं कहीं वर्ष लिखते हैं या कोई फैक्ट लिखते हैं उसके नीचे आप लोगों को अंडरलाइन करनी है परीक्षक जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उसको आप लोगों को यानी कि अपनी ओर खींचना है अपनी कॉपी को इस प्रकार से उसके सामने प्रस्तुत करना है कि वो आपकी बातों को पढ़े वो आपके तथ्य पढ़ें आपके प्रश्नों की लिखने की शैली को पढ़ें और आपको अंक दें आपको श्रेष्ठतम प्रयास करना उसके बाद भले ही आपको उस प्रश्न में अंक मिले न मिले ये सब बात की बात है मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमें श्रेष्ठतम प्रयास करना चाहिए उसके बाद जो भी परिणाम आए उसे हमें स्वीकार करना चाहिए मैं बार बार कहता हूं अंक महत्वपूर्ण नहीं है आपने सीखा कितना यह महत्वपूर्ण है तो इक्कीसवा प्रश्न है कि भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का प्रमुख दावेदार है कथन के पक्ष में तर्क दीजिए देखिए हम सब जानते हैं कि भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का प्रमुख दावेदार है क्यों क्योंकि आप जानते हैं कि सुरक्षा परिषद जो संगठन है उस सुरक्षा परिषद के अंदर पांच स्थायी सदस्य है और दस अस्थायी सदस्य है, है कुल पंद्रह सदस्य एक नंबर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सुरक्षा परिषद के कुल सदस्य पंद्रह स्थायी पांच अस्थायी दस ये पांच स्थायी सदस्य कौन से हैं जो उसमें परमाणु शक्ति संपन्न देश थे उन सभी देशों को वीटो का पावर भी दिया गया और सुरक्षा परिषद की दी गई। लेकिन अब लगातार भारत विश्व के बहुत से मांग कर रहे हैं है बढ़ोतरी होनी चाहिए भारत अब देखिए प्रश्न का उत्तर यहां से शुरू कर रहे हैं भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का प्रमुख दावेदार है क्यों दावेदार है इसका पहला कारण यह है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है भारत में मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है और दूसरा भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का एक बटा पांचवा भाग निवास करता है तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण विश्व का सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए तीसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी पहलकदमियों में बढ़ चिटकर भाग लिया जितने भी शांति अभियान चलाए गए उन सभी शांति अभियानों में भारत ने हमेशा से क्या लिया है भाग लिया है इस कारण भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए यूएनओ के शांति अभियानों में भी भारत ने भाग लिया है बहुत से शांति अभियान संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के नेतृत्व में हुए हैं अतः भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है अतः भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आर्थिक शक्ति बन के उभर रहा है भारत विकासशील देशों की अग्रिम पंक्ति में शामिल है भारत तेज गति से आर्थिक विकास कर रहा है इसलिए भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए अगला पॉइंट भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से योगदान दिया है कभी भी अपना योगदान देने से भारत चुका नहीं है इस कारण भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए भारत ये मानता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का एक प्रतीकात्मक महत्व है और उस उस महत्व का लाभ भारत को अपनी विदेश नीति में प्राप्त होगा इसके लिए भी भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करना चाहता है तो ये आ, सारे जो है महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे इस प्रश्न के उत्तर में बहुत अच्छा प्रश्न है इसके अथवा में है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में विश्व एक ध्रुवीय है अमेरिका का वर्तमान में वर्चस्व है अमेरिकी वर्चस्व के दौर में यूएनओ की क्या उपयोगिता है पहला पॉइंट इसका होगा कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगा सकता है क्योंकि विश्व में अकेला कोई देश अमेरिका को चुनौती नहीं दे सकता है विश्व में uh, अकेला कोई देश अमेरिका की आलोचना नहीं कर सकता उसकी गलत नीतियों पर अंकुश नहीं लगा सकता लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से एक देश क्योंकि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वन सदस्य देश है अमरीका भी उसका सदस्य है तो एक देश अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व को एक मंच पर लाने का काम संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से किया जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से अमेरिका की गलत नीतियों पर क्या लगाया जा सकता है अंकुश लगाया जा सकता है दूसरा शेष विश्व और अमेरिका इन दोनों के बीच में एक मंच उपलब्ध करवाता है संयुक्त राष्ट्र संघ उस मंच पर एकत्रित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व के, के शेष देश संयुक्त राज्य अमेरिका से बातचीत कर सकते हैं उसकी गलत नीतियों का विरोध भी किया जा सकता है हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ की अक्सर आलोचना करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के नेता लेकिन उन सबको पता है कि वर्तमान में विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ एक बहुत कारगर संगठन है अतः वो यूएनओ की अनदेखी नहीं कर सकते हैं इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की और भी कुछ महत्वपूर्ण उपयोगिता हो सकती है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए विश्व का आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए विश्व की साझी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र तो संघ बहुत अधिक उपयोगी है क्योंकि विश्व की साझी समस्याओं का समाधान कोई अकेला देश नहीं कर सकता इसके लिए पूरे विश्व की सहभागिता पूरे विश्व के सहयोग की आवश्यकता रहती है अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व सहयोग प्राप्त किया जा सकता है तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ बेहद प्रासंगिक है देखिए प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए तो ये सारे के सारे पॉइंट इसमें भी आपके काम आएंगे बाईसवा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौती राष्ट्र निर्माण की थी कथन को स्पष्ट करते हुए राष्ट्र निर्माण को समझाइए थोड़ा सा इस प्रश्न से पहले हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है पांच मिनट में अपनी बात पूरी कर देंगे तीन चार प्रश्न बचे हैं पांच छह मिनट में देखिए स्वतंत्र भारत के सामने तीन चुनौतियां थी आपने पहला पाठ पढ़ा राष्ट्र निर्माण की चुनौती आपने दूसरा पाठ पढ़ा लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती तीसरा पाठ पढ़ा नियोजित विकास की चुनौती ये स्वतंत्र भारत के सामने तीन चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण की लोकतंत्र स्थापित करने की और तीसरी थी नियोजित विकास की हमें यहां पहली चुनौती पूछी है स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की और राष्ट्र निर्माण का मतलब है देश की एकता और अखंडता स्थापित करना और इसके सामने तीन चुनौतियां थी तीन मुख्य मुद्दे थे जिसको लेकर भारत चिंतित था भारत के राष्ट्र भारत में यदि राष्ट्र का निर्माण करना है तो उन तीन चुनौतियों का समाधान होना चाहिए और वो पहली चुनौती थी विभाजन से उत्पन्न चुनौती पहला पॉइंट विभाजन से उत्पन्न चुनौती आप जानते हैं कि तीन जून उन्नीस लॉर्ड माउंट बैंटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया और इस विभाजन के दौरान जो सांप्रदायिक दंगे हुए उससे देश की एकता और अखंडता खंडित हुई जो व्यापक स्तर पर जो विस्थापन हुआ उस विस्थापन के दौरान जो घटनाएं घटित हुई वो हम सब के लिए चुनौती का विषय विशे था विशेष रूप से देश की एकता के लिए चुनौती का विषय था इसका समाधान हमने कैसे किया भारत ने अपने संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया हमने सभी जाति सभी धर्म सभी क्षेत्र के लोगों को समानता का अधिकार दिया तो इस प्रकार से भारत ने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाकर इस समस्या का समाधान किया विभाजन से उत्पन्न चुनौती हमारे लिए बहुत दर्दनाक थी आप सब जानते हैं कि व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए आप लोगों ने गदर फिल्म देखी होगी किस प्रकार से लोग विस्थापित हुए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी देश के लिए विभाजन एक इसलिए भी चुनौती थी कि हमारे देश के और टुकड़े नहीं हो जाए देश को एकता के सूत्र में पिरोना था इसके लिए विभाजन से उत्पन्न चुनौती हमारे राष्ट्र निर्माण के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी दूसरी देशी रियासतों के एकीकरण एक की चुनौती आप सब जानते हैं कि आ, ब्रिटिश आ, जो योजना थी उस योजना के तहत देशी रियासतें जो लगभग उस समय पांच देसी देशी रियासतें थी उनके सामने तीन विकल्प दिए गए पहला वो भारत में शामिल हो जाए दूसरा वो किसी भी देश में शामिल जो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है और तीसरा वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय था लगभग सभी रियासतें भारतीय भूखंड से जुड़ी हुई थी यदि एक भी रियासत पाकिस्तान में शामिल होती तो देश की एकता और अखंडता खंडित होती यदि एक भी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करती तो भारत के लिए चिंता का विषय था जैसे यह घोषणा हुई इसके ठीक बाद में आप सब जानते हैं कि भोपाल रियासत ने संविधान सभा में शामिल होने की बात को नकार दिया हैदराबाद रियासत को लेकर चिंता का विषय था त्रावणकोर रियासत ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की बात कह दी थी ऐसी परिस्थितियों में इस समस्या का समाधान करने के लिए देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए देशी रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह बीड़ा दिया गया था लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एकीकरण के जनक हम जिनको कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती जो विभाग बनाया गया वीपी मेनन के साथ में थे सचिव इन्होंने एक एक प्रस्ताव तैयार किया एक समझौता तैयार किया जिसका नाम था द इंस्ट्रूमेंट ऑफ आप आपको एक नंबर का प्रश्न है रियासतों ने किस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 15 अगस्त 1947 देश की आजादी से पहले पहले लगभग सभी रियासतों ने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया हालांकि इसके अवज में उनको पर्स दिया गया था प्रीवी पर्स के बारे में अगले प्रश्न में चर्चा करेंगे और इस कारण से इन रियासतों का भारत में विलय हो गया लेकिन फिर भी जूनागढ़ हैदराबाद मणिपुर और कश्मीर की रियासत का समस्या रह गई थी अंततः इन रियासतों को भी भारत में शामिल कर लिया गया था तीसरी हमारे राष्ट्र निर्माण के सामने चुनौती थी राज्यों के पुनर्गठन की, पुनर की। ब्रिटिश काल में राज्यों का निर्माण अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार किया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत की जनता से वादा किया था कि आजादी के बाद में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा जैसे ही देश आजाद हुआ नए 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 राज्यों की मांग उठने लगी लेकिन देश आजाद हुआ लेकिन विभाजन के साथ और उस समय हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी देश की एकता और अखंडता ऐसी परिस्थितियों में हम नए राज्यों का यदि निर्माण करेंगे तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मानना था पंडित नेहरू का मानना था कि देश यदि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया छोट छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया तो देश की एकता और अखंडता की तरफ हम ध्यान नहीं दे पाएंगे अतः नए राज्यों के निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया गया हमने कल ही चर्चा की सबसे पहले तेलुगु भाषी लोगों ने आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की श्री रामलू के नेतृत्व में आंदोलन हुआ मांग जब नहीं मानी गई तो 56 दिन तक श्री रामलू ने अनशन किया और उनका निधन हो जाता है उसके बाद आंदोलन उग्र होता है दिसंबर 1952 में नए राज्य का गठन भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश दिसंबर 1953 में इसकी घोषणा हुई थी उसके बाद भारत में नए-नए राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने 1953 में पंडित नेहरू ने 1953 में फजल अली एम के पणिकर और हरदिनाथ कुंजुरु की सदस्यता में जिसके अध्यक्ष थे हरदेना अध्यक्ष थे फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया उन्नीस में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एक नंबर का फजल अली की अध्यक्षता में पणिकर और कुंजरू इसके सदस्य थे इसने अपनी रिपोर्ट दी उन्नीस में एक नवंबर उन्नीस को इनकी रिपोर्ट को लागू करते हुए सातवा संविधान में संशोधन किया गया उन्नीस और पूरे देश में चौदह राज्य और छह केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे

समस्या थी क्योंकि रियासतों को तीन विकल्प दिए गए वो भारत में शामिल हो सकती है वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती है अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही भी बनाए रख सकती है अंग्रेजी राज का नजरिया था कि वो किसी भी देश में शामिल हो सकती है वो स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है लेकिन ये हमारे अखंड भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय था समस्याएं बहुत अधिक बढ़ती गई थी कि त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा कर दी हैदराबाद के नवाब ने भी यह घोषणा कर दी मैंने आपको बताया कि भोपाल के राजा ने तो संविधान सभा में भी अपने सदस्य नहीं भेजे इससे भय रहा कि भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं विभाजित हो जाए इसलिए सरकार ने इन रियासतों के विरुद्ध कड़ा कदम नहीं उठाकर सरकार ने लचीला कदम उठाया हालांकि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया भारत सरकार ने रजवाड़ों के विलय के लिए एक रियासती विभाग का गठन किया सरदार पटेल की अध्यक्षता में सरदार भाई पटेल ने महत्वपूर्ण काम किया रियासतों के एकीकरण का इन समस्याओं का जब समाधान किया तब तो हमारे सामने तीन बातें मुख्य रूप से आई एक तो अधिकांश रियासत भारत में शामिल होना चाहती थी दूसरा भारत सरकार का रुख इनके प्रति लचीला था कि कोई भी रियासत भारत में शामिल भी होना चाहती थी भारत उन रियासतों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार थी आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने विशेष दर्जा दिया था हालांकि अब नहीं है और भी कई रियासतें थी जिनके लिए हमने इस प्रकार के प्रावधान किया अनुच्छेद तीन सौ इकहत्तर में इसके अलावा तीसरा ये था कि इन रियासतों के सीमांकन को लेकर भी खींचातान हो रही थी इन सभी समस्याओं का समाधान सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया और 15 अगस्त 1947 से पहले पहले ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों का भारत में विलय किया इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्श नाम का एक विलय पत्र बनाया गया इस विलय पत्र पर इन सभी रियासतों ने हस्ताक्षर किए हालांकि मणिपुर जूनागढ़ कश्मीर की कुछ रियासतें थी जिनका विलय प्रथम चरण में नहीं हो सका लेकिन अंत तो उनका चरण भी और उनका विवाह विलय भी भारत में हो गया इस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया अंतिम प्रश्न है ट्वेंटी थ्री तेईसवा उन्नीस में कांग्रेस के विभाजन के कारण क्या थे देखिए 1967 में कांग्रेस पार्टी पहली बार पंडित नेहरू के बिना चुनावी मैदान में उतरी थी और इसके विरुद्ध सभी जो गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल थे उन्होंने एक गठबंधन बनाया था जिसे राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद कहा था 1967 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस नौ राज्यों में पराजित होती है ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली से हावड़ा की ट्रेन में बैठते हैं तो वो ट्रेन एक भी कांग्रेस शासित राज्य से नहीं निकल रही थी ये लोगों के लिए आश्चर्यजनक था क्योंकि लोगों ने हमेशा से कांग्रेस के शासन ही देखा था 1967 के चुनाव में नौ राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी गैर कांग्रेस की सरकारें बनी गठबंधन की सरकारें बनी केंद्र में जरूर कांग्रेस की सरकार बन गई लेकिन उसको बहुमत बहुत ही कम प्राप्त हुआ जैसे ही नाइनटीन के

उनको सिंडिकेट के नेता कहा जाता था जिनकी कांग्रेस पार्टी में चलती थी लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भी सिंडिकेट के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था ये छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे से सिंडिकेट के नेता कौन कौन से से थे थे और किस राज्य तो एक तरफ आपको सिंडिकेट के नेताओं के नाम दिए जाएंगे और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए जाएंगे आपको मिलान करना है सिंडिकेट के नेताओं में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे के कामराज के कामराज महाराष्ट्र से संबंधित थे एस के पाटिल बंबई से संबंधित थे निजलिंग कर्नाटक से संबंधित थे एन यानी नीलम संजीव आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से संबंधित थे तो 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 राज्यों में पराजित हुई केंद्र में भी बहुत कम बहुमत मिला इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर फूट पड़ गई इंदिरा गांधी ने हार का कारण सिंडिकेट के नेताओं को बताया सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी पर पराजय का ठीकरा फोड़ा तो इस बात को लेकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के बीच में तनाव हो गया इंदिरा गांधी दूसरा पॉइंट रहेगा इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के नेताओं के बीच में विवाद सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था ताकि वो उनको पूछकर काम करेगी क्योंकि एकमात्र महिला थी लेकिन इंदिरा गांधी चाहती थी कि वो अपना स्वतंत्र मुकाम बनाए वो सिंडिकेट के नेताओं के दबाव में कार्य नहीं करे तो इस बात को लेकर भी दोनों के बीच में मतभेद चल रहे थे इंदिरा गांधी समाजवादी नीतियों लागू कर रही थी पर्स को इंदिरा गांधी समाप्त करना चाहती थी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी कई भूमि सुधार काम करना चाहती थी दस सूत्री कार्यक्रम भी उन्होंने चलाए इस बात को लेकर सिंडिकेट के नेता इंदिरा गांधी से नाराज थे

1969 में 7 मई 1969 में जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो जाता है पद पर रहते हुए निधन होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे भारत के संविधान के अनुच्छेद 62 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर चुनाव करवाना जरूरी है राष्ट्रपति के चुनाव का बिगुल बजा सिंडिकेट के नेता उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे एस निजलिंगमपा एस निजलंगंपा और इंदिरा गांधी के बीच में तनाव चल रहा था विवाद चल रहा था मतभेद चल रहा था एस निजलिंगंपा चाहते थे कि नीलम संजीव रेड्डी जो कि उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे वो राष्ट्रपति बने और नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र दिया कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति पद पत का नामांकन भरा इंदिरा गांधी चाहती थी नीलम संजीव रेड्डी कभी भी देश के राष्ट्रपति नहीं बने क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी के बीच में भी बहुत से मुद्दों को लेकर मतभेद था इंदिरा गांधी उनसे सहमत नहीं थी भारतीय संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट के रूप में कार्य करेंगे उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति गिरी उस समय राष्ट्रपति पद पर थे इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी से संपर्क किया कि आप राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दें और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरे बीवी गिरी ने इस बात को स्वीकार कर लिया वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए और एक और देशमुख थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद का उम्मीद नामांकन पत्र भरा था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हुए तो संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम उन्नीस सौ उनसर बनाया और उसमें यह प्रावधान किया कि ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे उस समय हिमा भारत के मुख्य न्यायाधीश थे उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था चुनाव का समय आया फूट दोनों में स्पष्ट पड़ गई थी दोनों अपने हाथ आजमाना चाहते थे कि वास्तव में असली ता, ताकत कांग्रेस की सिंडिकेट के पास में है या कांग्रेस के पास में है या इंदिरा गांधी के पास में है चुनाव में एस निजलिंगम्पा ने व्हीप जारी कर दिया व्हीप का मतलब जहां पार्टी कहे वहीं आपको मत देना है और और जारी करके सभी को बाध्य किया गया कि आप नीलम संजीव रेड्डी को वोट देंगे लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट दीजिए जब चुनाव के परिणाम आए तो नीलम संजीव रेड्डी जो कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे वो चुनाव हार जाते हैं और वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं इस बात से कांग्रेस के सिंडिकेट के नेता बहुत अधिक नाराज हो जाते हैं और इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त कर देते हैं जैसे इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया इंदिरा गांधी ने अपनी एक नई पार्टी बनाई और उस राजनीतिक दल का नाम जो था वो तो कांग्रेस आई कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस रिक्वजेनिस्ट और जो दूसरी जो कांग्रेस थी जो सिंडिकेट के नेताओं की उस पार्टी का नाम था कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस संगठन तो ये कारण था उन्नीस में कांग्रेस के विभाजन का कारण लाइट कट गई थी हालांकि लेकिन मैंने कंटिन्यू क्लास जारी रखी क्योंकि मेरा चेहरा आपको दिख रहा था मोबाइल की स्क्रीन दिख रही थी उस कारण से अंतिम प्रश्न टिप्पणी लिखी है दल बदल और जो है प्रीवी पर्स की समाप्ति के ऊपर देखिए 1967 के चुनाव में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी नौ राज्यों में और उसी समय दल बदल की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई दल बदल का तात्पर्य क्या होता है जब किसी भी उम्मीदवार के द्वारा किसी राजनीतिक दल से टिकट लेकर उस राजनीतिक दल की टिकट के नाम पर चुनाव लड़के जीतने के बाद अन्य राजनीतिक दल में चले जाना इसी को हम कहते हैं दल बदल दल बदल भारतीय राजनीति के लिए भारतीय लोकतंत्र के लिए जनता के लिए और राजनीतिक दलों के लिए घातक था बहुत अधिक चिंता का विषय था दल बदल को रोकने के लिए पहला प्रयास किया गया उन्नीस में बावनवा संविधान संशोधन उन्नीस इसके तहत भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई और यह प्रावधान किया गया कि एक तिहाई सदस्य यदि दल बदल करते हैं तो उसे दल विभाजन माना जाएगा लेकिन एक तिहाई से कम सदस्य यदि दल बदल करते हैं किसी राजनीतिक दल के तो उनकी सदस्यता सदन का अध्यक्ष समाप्त कर सकता है लेकिन उसके बावजूद भी दल बदल होते गए तब तो इकानवा संविधान संशोधन दो में किया गया और ये जो एक तिहाई था उसकी जगह दो तिहाई कर दिया कि दो तिहाई से कम सदस्य यदि आ, किसी दल के दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता सदन का अध्यक्ष समाप्त कर देगा एक और प्रावधान किया गया क्योंकि दल बदल करते क्यों है एमएलएमपी तो होते ही है मंत्री बनने के लालच में वो दल बदल करते हैं इसलिए मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या इक्यानवे संविधान संशोधन 2003 के तहत निश्चित की गई और क्या की गई कि लोकसभा की कुल सदस्य साथ्ष्य संख्या साथ्ष्य के 15 प्रतिशत से अधिक मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या नहीं होगी यह प्रावधान भी किया गया हालांकि राज्यों में न्यूनतम मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या बारह निश्चित की गई और अधिकतम विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के पंद्रह से अधिक नहीं हो सकती है और इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल माने जाएंगे तो ये था आपका दल बदल प्रीवी पर्श की समाप्ति देखिए देशी रियासतों का जब एकीकरण किया गया था तब तो देशी रियासतों के राजा महाराजाओं को संतुष्ट रखने के लिए उनको खुश रखने के लिए ताकि वो अपनी रियासत को भारत में शामिल कर ले प्रीवी पर्श का प्रावधान किया गया था प्रीवी पर्श राजा महाराजाओं को दी जाने वाली अधिकार और वेतन भत्ते थे उनको संपत्ति रखने और वेतन भत्ते और जो उनको अधिकार दिए गए थे उन्हीं को प्रीवी पर्स के नाम से जानते हैं आप याद रख सकते हैं पर्स यानी बटवा होता है उसमें पैसे इनकी वेतन भत्ते दिए जाते थे और उनको संपत्ति रखने का जो अधिकार दिया गया उसे पर्स कहा जाता है रियासतों के राजा महाराजाओं को दी गई प्रीवी पर्स भारतीय संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार के विरुद्ध में था पंडित नेहरू ने कई दफा इसकी आलोचना की और इसे अः नाराजगी जताई लेकिन वो चाहकर भी इसे समाप्त नहीं कर सके इंदिरा गांधी जैसे ही देश की प्रधानमंत्री बनती है उसने प्रवी पर्स को समाप्त करने के लिए अध्यादेश जारी किया लेकिन वो अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया इंदिरा गांधी संविधान में संशोधन करके इसको समाप्त करना चाहती थी लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ अंततः तो उन्नीस के चुनाव में इंदिरा गांधी ने इसे अपना चुनावी नारा दिया कि यदि इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो वो पृवी पर्स समाप्त करेगी और जनता इनके साथ में थी इंदिरा गांधी की सरकार बनती है छब्बीसवा संविधान संशोधन उन्नीस सौ इकहत्तर ट्वेंटी सिक्स अमेंडमेंट 1971 26वें संविधान संशोधन उन्नीस के तहत प्रीवी पर्श को समाप्त कर दिया गया तो ये था प्रीवी पर्श के बारे में टिप्पणी आप सभी का बहुत बहुत आभार कि जिन विद्यार्थियों ने विशेष रूप से तीनों वीडियो देखकर इस पूरे मॉडल पेपर का हल सुना है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं आप लोग लगातार पढ़ते रहिए लगातार कोशिश करते रहिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बिना थके बिना रुके जो प्रयास करते हैं उनको सफलता अवश्य प्राप्त होती है उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी उड़ान उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी आसमान से रिश्ता रखता है पंछी मंजिल चाहे दूर कितनी भी क्यों ना हो थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी आप चाहते हो कि सेकेंड मॉडल पेपर भी आप तक पहुंचे इसी प्रकार से उत्तर आपको टेलीग्राम चैनल पर सभी के मिल जाएंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स डालकर हमें प्रेरित करें आपकी कोई समस्या है तो हमें बताएं मेरे फ़ोन नंबर पर मैसेज करके टेलीग्राम चैनल का लिंक आप ले सकते हैं मैं कमेंट्स बॉक्स में भी यूट्यूब के टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा तो आप सभी का सहयोग बना रहा बना रहे आप सभी का स्नेह लगातार प्राप्त हो रहे होता रहे इसी अपेक्षा और उम्मीद के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया